वेलकम कहेंगे मैडम आपको, क्या कहेंगी मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो मौकफ आ रहा है इस हवाले से कि जी इनका जो दिमाही तवाजुन है वो बेहतर नहीं है, होना तो ये चाहिए कि जी इसके ऊपर बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए, जो भी उन्होंने अपना बयान दिया है उसकी तरदीद करने के बजाय इस तरफ जाना चाहिए। आप क्या समझती हैं कि वाकई आप ही इसी स्टेटमेंट के ऊपर आएंगी जो मुस्लिम लीग नून के तमाम तर सियासी रहनुमाओं ने तकरीबन यही स्टेटमेंट दिया है कि सबसे पहले उनका दिमाही तवाजुन जो है उस हवाले से टेस्ट किए जाएं, क्या कहेंगी? मैं कुछ मैं बता वर्कर से ये कहना चाहूंगी कि उन्हें अगर ये मालूम हो रहा था कि वो गलत काम कर रहे हैं तो उन्होंने 8 दिन इंतजार किस चीज का किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगर एक आदमी से गलती सरजद हो रही है तो अपने नीचे जितने अफसरान है उनसे भी गलत काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, मत कर रहे हैं, तो क्या करते रहेंगे, तो मुझे कहाँ जा कैसे करना है। जमीन से एकदम डाकता है और इंसान फैसला करता है इसके साथ, फिर जब उन्होंने ये कहा कि मैंने फजर के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की तो मैं बहुत चंदे में हुई कि एक मुसलमान आदमी जब ये कन्फेस करता है गलती है मुझे तो खुदकुशी का तो कोई जवाब नहीं बचता, उनकी खुदकुशी करने से क्या होता, और फिर उन्होंने खुद ही अपना खुदकुशी का आइडिया चेंज किया में, तो थोड़ी बहुत वो है कमजोरी जहनी कमजोरी के वो फैसला नहीं कर पा रहे थे, और जो उन्होंने 8 दिन के बाद, तो ये बात ये है कि मैं टैक्स किसी पर इल्जाम लगा तो कोई तुक नहीं बनती, प्रूफ होना चाहिए दस्तावेज जो मैं मीडिया को दिखाऊं, जो मैं वैसे भी इलेक्शन कमीशन भेजूँ, जो मैं कन्फेस्ट कर आगे तो मैं उसका सबूत तो दूंगी ना, तो जो पहले फॉर्म 45 है वो आप इकट्ठे कर लेते, जो ये इकट्ठे फॉर्म 45 तो सब इकट्ठे किए हुए।